हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अचीवमेंट इन ऑल में। कहते हैं आप सब, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने कुछ मंगाया है फ्लिपकार्ट से। 13 तारीख को आने वाला था लेकिन 14 तारीख को आया, तो ये देखेंगे ये फ्लिपकार्ट का ही है और बिल्कुल अच्छे से पैक होके आया था, जो कि आप पीछे में देख रहे हैं। ये था, मैंने बहुत दिन से इसको एड टू कार्ट करके रखा था। ये 250 ml का है, इस तरह से ये मूव होता है, 250 ml का है। और मैंने एड टू कार्ट में कई वीडियो में ऐसा कह चुकी हूँ कि कोई चीज़ मुझे पसंद आता है मैं उसको एड टू कार्ट करती हूँ। और समय के साथ आप तुरंत हड़बड़ा कर मत लीजिए। मैंने कई सारे यूट्यूबर को देखा था, बहुत पहले उन्होंने मंगा लिया था, लेकिन मैंने एड टू कार्ट करके बिल्कुल 250 ml का ml का मैंने एड टू कार्ट किया था। और ये स्टार्टिंग में इसका दाम 750-800 दिखा रहा था, दाम कम होते 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 जब मैंने देखा कब इसका दाम 450 हो गया, 440 हो गया, 449 के आसपास, तो मैंने सोचा नहीं अब देर नहीं करना चाहिए, अगर मैं ज़्यादा इस चक्कर में रहूँगी फिर पता चला फिर से स्टार्टिंग वाला ही दाम हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑर्डर किया, तो 449 रुपया इसका कुल कॉस्ट है और 40 रुपया जो है आपका डिलीवरी चार्ज लिया गया है। तो ये जो है इसको आप जब लें तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ml में बहुत फ़र्क दिखाता है, 50 ml का, 150 ml का, 200 ml का, लेकिन ये 250 ml का है। और इसके साथ कोई कागज़ वगैरह कुछ नहीं आया कि ये कितने ml का है क्या है, बस कार्टून में जो पैक करके आया था ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैक करके आया था। तो मैंने एक डब्बा खोल कर देखा है, जो कि आप देख रहे हैं, और मैंने इसमें घर का बनाया हुआ 5 फोरन भी रखा हुआ है। आप जिस तरह के देख रहे हैं ये घर का बनाया हुआ 5 फोरन भी रखा हुआ है क्वान्टिटी को जाँचने के लिए, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि इसमें कितना क्वान्टिटी आता है। और इसकी मजबूती की मैं पहले मजबूती की बात कर लेती हूँ। ये देखेंगे आप, इस तरह से पैकिंग काफ़ी अच्छा था, इस तरह से आपका लपेटा हुआ था पॉलीथीन, और इसको इस तरह से निकाल के और मैंने एक बस यूज किया था, इसको साफ कर लिया। और ये मजबूती में आप इसको नहीं भी नहीं कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर 450 रुपये में और आप प्लस डिलीवरी चार्ज भी आप जोड़ लीजिए तो टोटल आपका अगर 480 रुपया होता है या 490 रुपया होता है, तो आप इसको 50 रुपया इसको आप इसका जोड़ लीजिए तो कितना आपके पास बचता है। अगर आप 42 रुपया 50 रुपया जोड़ते हैं डिलीवरी चार्ज के साथ मैं बोल रही हूँ, तो भी आपका एक डब्बे का मुश्किल से 25 रुपया पड़ता है, 30, क्योंकि 16 पीस है। आप देख रहे हैं ये ऊपर में, यहाँ से मैंने 2 निकाला हुआ है, तो ये देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ध्यान रखिएगा ये 16 पीस का भी आता है, 12 पीस का भी आता है, और 8 का, 4 का, ये सब का भी आता है, अलग अलग डिज़ाइन का भी आता है, लेकिन मुझे यही पसंद था। और एक अलग आकार का आता है, लेकिन वो मैं 4 पीस वाला मंगाऊँगी, उसका भी कम ही कॉस्ट होता है। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है कि 16 पीस वाला है और ml उसका कितना है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन जो है बिल्कुल आपको सही से पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक डब्बे का एक आप 30 रुपया जोड़ते हैं तो 16 को 3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 480 सिर्फ डब्बे का होगा, फिर इसका क्या होगा। अगर इसको आप 25-50 रुपये का मान लेते हैं, 20 रुपया होता है जोड़ते हैं डब्बे का, ये 25 रुपया पीस आपका ये पड़ रहा है, आप ये समझ लीजिए 25 रुपया पीस आपका ये पड़ रहा है, 16 पीस है तो आप समझ लीजिए कि 6 पीस का आपका हो गया 150 रुपया, 10 पीस का आपका हो गया 250 रुपया, 400 रुपये का आपका डब्बा हो गया, 50 रुपये का आपका ये हो गया, 450 रुपया हो गया। तो 25 रुपये में अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप नहीं ठगा रहे हैं। मेरे पास तो आप लोगों ने देखा होगा किचन में मधु का बहुत सारा डब्बा है, शायद मैं मंगाती हूँ पीती हूँ, बहुत जमा हो गया था, बहुत सारा मैंने मम्मी को दे दिया था उसमें सारे सूखे मसाले कर करके। तो ये मुझे देखिए रखने का व्यवस्था तो हर औरत के पास कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मार्केट में नहीं आती है तो लेने का बहुत मन करने लगता है। तो मैं ये बहुत दिन से सोच रही थी, तो इसको तो मैं एक एक करके निकाल के अभी मैं आपको किचन में सारा सामान इसमें सेट करके दिखाऊंगी, तुरंत ना दिखा सकूँ तो थोड़ा देर बाद दिखाऊँगी। तो मैं सारे पॉलिथिन को इससे हटा रही हूँ, मैं देख रही हूँ ढक्कन वगैरह में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन नहीं है, सारा फ्रेश माल है, एक एक करके चेक करके आप ले सकते हैं। अगर कोई कहीं कोई दिक्कत भी आता है तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। और ये देखिएगा ये पतंजलि का 1/2 किलो इसमें शहद आता है, इसी में मैंने इसको रखा हुआ था, ये जितना भी आपका है, और उससे मैंने कुछ खर्च भी किया है, यानी कि इसमें भर के नहीं था। तो आप देखिएगा इसका क्वांटिटी क्या है, तो इसका क्वांटिटी बस इतना ही है। अगर आप 1/2 किलो डब्बे में इतना रखते हैं, आप ये 500 ग्राम इसमें गीला चीज आ रहा है और इतना इसका कम है, ये देख रहे हैं इतना, तो आपका इसमें भर के आ रहा है, जिसका मतलब है ये सच में 250 ग्राम का है। बाकी जो भी मैंने सूखा मसाला लिया है उसको मैं डाल के फिर आपको मैं एक्यूरेट बताऊंगी क्या ये 250 ग्राम का है। तो चलिए, चैनल पर जो नया है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, आप अपना कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे मिलते हैं आपसे।